अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। यहाँ VIP रोड स्थित मैं यहाँ निवास पर बैठा हुआ हूँ। ऐसे हमारे वरिष्ठ जनाब, रिस्पेक्टेड इज्जत माफ अली जनाब अब्दुल हमीद खान, हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आज लाइफ ओके न्यूज़ चैनल को ये शर्फ हासिल हुआ है कि आपके निवास पर आकर आपसे इंटरव्यू और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आपका घर हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब मंजर भोपाली साहब के आप पड़ोसी हैं, तो हम सीधे ले चलते हैं आपको अब्दुल हमीद खान साहब के पास, जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना, जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और जिन्होंने लोगों की भलाई के काम किए हैं, जिनके लिए धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। तो आइए हम ऐसे ही एक इंसानियत के पैरोकार जनाब अब्दुल हमीद खान एडवोकेट साहब से बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आईडी आज मुझे इस बात पर कि लाइफ ओके की टीम मेरे गरीब खाने के ऊपर आई और ये एजाज़ बख्शा कि मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही थी। बड़ी खुशी की बात है कि जो मेरे पड़ोस में हैं मंजर भोपाली साहब, उनको मैं ही लेकर आया हूँ अपने पड़ोस में, क्योंकि मैं उनकी शायरी को पसंद करता हूँ, उनके जज्बे की कदर करता हूँ और मेरे कॉलेज के जूनियर रहे हैं। तो आज मुल्क के जो हालात हो रहे हैं, उन हालात के तहत पूरे मुल्क से यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुल्क के अंदर मज़हब के नाम के ऊपर और जातिवाद के नाम के ऊपर मुल्क की तरक्की को रोका जा रहा है और मुल्क में एक साजिश की जा रही है कि एक खास तबका मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर तमाम लोगों को उलझा के रखा है। हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोगों की सेहत कैसी हो, उनके आर्थिक हालात किस तरह के हों, उनकी तालीम कैसी हो, उनकी तरबियत कैसी हो, नई नस्लों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें इंसानियत का सबक उनको पढ़ाना पड़ेगा। बगैर इंसानियत का सबक पढ़ाए हुए हमारे मुल्क के अंदर न सबका साथ हो सकता और न सबका विकास हो सकता है। बाकी सब नारे खोखले दिखाई देते हैं। लफाजी की बात आती है कि हम 2 करोड़ लोगों को मुलाजमत देंगे। आज हम कुछ किस्मत हैं कि हमारे ज़माने में 38 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब आप बदकिस्मत होंगे इस टाइम जो मुल्क के अंदर पेट्रोल के दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मुल्क के अंदर जितनी परेशानी और बदहाली और GST गिरी हुई है, इससे पहले कभी नहीं गिरी हुई थी। मोदी जी हर महाज के ऊपर फेल हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान साहब भी हर महाज के ऊपर फेल हुए हैं। अवाम को अपना सच्चा हमदर्द और लीडर खुद ही पैदा करना पड़ेगा और पार्टियों की जो गुड़बाजी है, जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर जिन लोगों ने गुड़ बनाकर हिंदुस्तान की गरीब आवाम को लूटा है और हिंदुस्तान की जो गरीब आवाम का पैसा टैक्स का है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो इन तमाम बर्बाद करने वालों लोगों से आपको आगाह होना चाहिए। अच्छे और बड़े लोगों को सियासत के अंदर आगे आना चाहिए और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जो भूख के खिलाफ लड़ें, जो भय के खिलाफ लड़ें, जो इंसान को जमहूरियत के खिलाफ लड़ें, जो हिंदुस्तान के आइन की बका के लिए लड़ें, संविधान की बका के लिए लड़ें। संविधान को और संविधान के अंदर हुकूम कानून का जो राज है वो चले, हम उन लोगों को पसंद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमीद खान साहब जो जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें कहा और देश को एक संदेश दिया। हालांकि कुछ सवाल अभी बाकी हैं जो कि देश भर से निकल कर के लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के पास एक सुझाव के रूप में आए हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, कई IAS IPS आपके दोस्त रहे हैं, कई जजेस आपके दोस्त हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप किसी एक राज्य का
मुख्यमंत्री अगर वो एक लोकतंत्र से चुन करके आता है भारी मतों से, वो ये कहता है कि हमें विकास चाहिए, तो वो शहरों में 30 से 40 फीट चौड़े रोड देते हैं और उन रोड के रास्ते में अगर मंदिर मस्जिद आते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है, जो कि एक अच्छे विकास पुरुष की निशानदेही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो क्या खाना है, क्या पकाना है, इस बात को तय करते हैं कि किसी विशेष समुदाय की थाली में क्या होना चाहिए वो ये तय करते हैं। किसी पर्व पर वो इस प्रकार की खाद्य सामग्री पर बैन लगा देते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि वो क्या आप जैसे लोगों की मानसिकता को इससे परेशानी नहीं होती है, क्या कहना है ब्यूरो का इस पर? ये मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले जो कानून को चलाते हैं, आज उनकी हालत ये हो गई है कि थानों के अंदर उनकी पिटाई होती है। गुंडा अनासिर जिनको प्रोटेक्शन हुकुमरा जमात के लोगों का मिला हुआ है, चाहे हम उसको नाम दें विश्व हिंदू परिषद, हम उसको नाम दें बजरंग दल, हम उसको नाम दें RSS, या हम उसको नाम दें सत्तारूढ़ी पार्टी BJP, आए दिन अखबार के अंदर TV चैनल के ऊपर ये दिखाई देता है कि उनको कानून का खौफ नहीं है। और इस मनासबत से वो मुल्क को अंदर एक भय पैदा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से इनका हमेशा नज़रिया रहा है, कभी सरदारों के साथ जुल्म होता है, कभी ईसाइयों के साथ जुल्म होता है, और आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों के साथ जुल्म होता चला आया है। इसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। बुनियादी तौर से हम कांग्रेस को बड़ा कसूरवार मानते हैं। गुजरात के दंगों के बाद वो चाहते तो इंसाफ दिला सकते थे, मगर आज तक मुसलमानों को इंसाफ हुकूमत कांग्रेस नहीं दिला पाई है। और BJP का काम तो है मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करना और हिंदू राष्ट्र बनाना, पर वो इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान एक मुल्क से बड़ी आबादी के अंदर मुसलमान 35 करोड़ यहाँ पर रहते हैं। ये अल्पसंख्यक नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, और इसको पीछे छोड़ने के बाद हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का विकास जब ही हो सकता है जब आप इनको इनका राजनीतिक हक दें, आर्थिक हक दें, शैक्षिक का हक दें। आपने सब दरवाजे बंद कर रखे हैं सियासी तौर पर, जो वही कौमें तरक्की करती हैं जो इख्तदार से जुड़ी रहती हैं। जब आप हमारे लोगों को विधानसभा में नहीं पहुँचाएंगे, नगर पालिकाओं में नहीं पहुँचाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुँचाएंगे, तो उनके मसाइल का हल नहीं होगा और बद से बदतर हालत होती जाएगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, श्री कृष्ण आयोग की पढ़ी है, 40,000 फसादात की रिपोर्ट पढ़ी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे अपने लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। जहाँ पर उनको मौका मिलता है अपनी ज़ाती ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो अपने मजहब तक को अपने दाव के ऊपर लगा देते हैं। और इस तरह की कुछ खवातीन को भी पकड़ रखा है जो कि इस्लाम से वाकिफ नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कहते हैं मस्जिद में जाके हम जमात में नमाज़ पढ़ेंगे। तलाक के मसले के अंदर शरई के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, उसके अंदर इंटरफियर करते हैं। जितने भी आप काम करना चाहते, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, और जो राष्ट्रमंच उलमा का आपने बना दिया RSS का, वो सब बिके हुए लोग हैं। उन्हें अपनी रोटी रोजी के चक्कर में उलझा के रखा, जराइम की दुनिया में रहते हैं। UP के जो मिनिस्टर साहब हैं वक्फ से मुतालिक का शिया साहब, उन्होंने अजीब वगरीब तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक मजाक खेज हो गए हैं। उनका ये कहना है कि मुसलमानों के लिए मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है, जबकि कुरान कहता है कि सारी दुनिया जो है मस्जिद है, और मुसलमानों के लिए मस्जिद की एक अहमियत है। हम कुरान को माने या जज साहब को माने, हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये है। जिस चीज़ की आईन ने हमको इजाज़त दी है मजहबी आज़ादी, आज कानून के कानून के डंडे से हमको हकाला जा रहा है। हमारे ज़ाती मसाइल के अंदर, मजहबी मसाइल के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है। हमको माशी तौर से तोड़ दिया है, हमको सियासी तौर से तोड़ दिया है, हमें सामाजिक तौर से तोड़ दिया है। अब हम अपनी नस्लों को बका के लिए जो ठोका पटेली करके उनका पेट भरते थे, तो GST और बैंकिंग सिस्टम लाकर आपने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमको जीने का हक दो,
ہم بھوک کے خلاف لڑیں، ہم غربت کے خلاف لڑیں، ہم انسانیت کے ظلم کے خلاف لڑیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، آپ ہمیں دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ فوج آپ کی ہے، پولیس آپ کی ہے، عدالتیں آپ کی ہیں، حکومتیں آپ کی ہیں، پھر بھی آپ ہمیں پاکستانی اور آتنکوادی کے نام سے ڈراتے چلے آتے ہیں۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے ملک کے آگے۔ ہمارے یہاں جب بھی موقع پڑا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانی دی، آپ سے زیادہ قربانی دی ہے، آزادی کی لڑائی کے اندر بھی اور آزادی کی لڑائی کے بعد میں بھی۔ عبدالحمید خان صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ایک راجیہ کے مکھیہ منتری جگہ کا نام بدلنے کی قواعد شروع کرتے ہیں، کیبنٹ سے آنند فانند میں وہ پرستاؤ لے کر اس کو منظوری دے دیتے ہیں، وہیں دلی میں کئی طرح کے روڈ ہیں جو کہ مغل بادشاہوں کے نام پر ہیں اور اس کو بھی بدلنے کی قواعد چلتی ہے، تو کیا نام بدل دینے سے دیش بدلا جا سکتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں لائک اوکے کے مادھیم سے۔ دیکھیے، جہاں تک روڈوں کے نام بدلنے کا تعلق ہے، دل سے کوئی ہی نہیں بدل پائے گا جن لوگوں کے دلوں میں وہ نام ہیں۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ موجودہ جو حکمراں ہیں ان کی پوزیشن ایسی ہے جسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا، اور وہ اس طرح سے چاہے وہ ملک وہ چاہے الہ آباد کا نام بدلیں، چاہے وہ ہریانہ کا گڑگاؤں کا نام بدلیں، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ مان لیجئے کہ ایک ان کے ذہن میں جو فطور ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، وہیں پر اس طرح کی وہ حرکتیں اور اقدام کرتے ہیں، کبھی لب جہد کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی گو ہتھیار کے نام پہ اوپر کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو لب جہد کے نام پہ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خاتمہ جب ہی ہوگا جب ہندوستان کی غریب عوام، دلت، مسلم، پچھلا آدیواسی جڑے گا، اور جو برہمن ہندوستان میں اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں ان کا جب تک مقابلہ نہیں کرے گا یہ حالات بنے رہیں گے۔ حمید خان صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اتر پردیش میں چناؤ ہوتے ہیں، پوری سیٹوں پر بی جے پی اپنے امیدوار اتارتی ہے، ان میں سے ایک بھی نام مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی بھی یوگی امیدوار نہیں ملا، یہ کیسے سمبھو ہے؟ اتر پردیش جہاں پر رفیع احمد کدوئی جیسے اتر پردیش کے پہلے گرہ منتری ہوئے سوتنتر بھارت کے، ایسے لوگ جہاں پر نواس کرتے ہیں وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قابل امیدوار نہیں ملا ہو؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ مدھیہ پردیش میں بھی ودھان سبھا چناؤ ہیں، تو کس طرح سے مدھیہ پردیش کے مکھیا راجنیتک سمجھ کے ساتھ اپنے امیدوار اتارتے ہیں؟ کیا یو پی کی طرز پر مدھیہ پردیش میں بھی چناؤ لڑا جائے گا؟ کسی مسلم امیدوار کو موقع نہیں دیا جائے گا؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیے، یہ ان کی اپنی آئیڈیولوجی اور ان کی پارٹی کا ہے، مگر ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ جب چناؤ آیوگ کے اندر یہ بات ہے کہ سیکولر ملک کے اندر سب کو برابری کا ہے، سیاسی طور پر حق دیا گیا ہے، تو ان کو ٹکٹ دینا چاہیے، اور جہاں یوگ امیدوار نہیں ملتا تو مختار عباس نقوی کو انہوں نے کیوں منسٹر بنایا، وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس طرح جو یو پی کے منسٹر ہیں، وقت منسٹر، ان کو بھی یوگتا کا کوئی آدھار نہیں ہے، یہ صرف غلام بنا کر اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح جن سے لائف اوکے نیوز چینل نے بات کی اور جن سے بات کر کے، جن کا انوبھو شیئر کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، دیش اور سماج کو انہوں نے ایک اچھا سندیش دیا اور اپنے خیالات کو کا اظہار کیا، اور انت میں میں ہمارے عبدالحمید خان صاحب سے لائف اوکے نیوز چینل کے بارے میں ان کے کمنٹس جاننا چاہوں گا۔ لائف اوکے نیوز چینل جو کہ سچ کی ایک آواز ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس آواز کو بلند کرے، اور جو بھی عوامی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے اوپر بے باک اپنی رائے قائم کرے، یہی امید کرتا ہوں میں۔ لائف اوکے نیوز چینل سے اسپوکس پرسن محمد شارق اور ہندوستان زندہ باد، عبدالحمید خان صاحب، ایڈوکیٹ، زندہ باد۔ جے ہند، جے بھارت۔